प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शाजिया है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आज मैं आपको तीसरी जमात की दर्सी किताब का उन्वान ख़त और दरख्वास्त का तारुफ दूंगी। तो आइए चलते हैं ख़त के तारुफ की तरफ। तारुफ ख़त यानी ख़त का तारुफ। प्यारे बच्चों, ख़त निजी सतह पर शख्सी जज्बात के इजहार का तरीका है जो कि ख़त कहलाता है। ख़त अहम ज़ाती और तारीख़ी दस्तावेज़ का दर्जा रखते हैं जिनमें कारोबारी ख़तूत, रस्मी ख़तूत या अमूमी ख़तूत वग़ैरह शामिल हैं। ये तो था ख़त का तारुफ। अब आइए दरख्वास्त के तारुफ की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, यह है तारुफ दरख्वास्त यानी दरख्वास्त का तारुफ। प्यारे बच्चों, किसी भी इदारे के सरबरा से गुजारिश या इल्तिमास या अर्ज करने की दरख्वास्त को दरख्वास्त निगारी कहते हैं। यह तो था दरख्वास्त का तारुफ। उम्मीद करती हूँ आपको ख़त और दरख्वास्त का तारुफ अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब हम क्या सीखते हैं। अब हम ये सीखते हैं कि ख़त कैसे लिखा जाता है। यहाँ आपको ख़त नज़र आ रहा होगा। अस कराची, 25 दिसंबर सन 2020। प्यारे अबू जान, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ। मुझे अब उर्दू लिखना आ गई है। आपको मेरा ख़त देखकर खुशी होगी कि मैं दिल लगाकर पढ़ता हूँ। अम्मी का कहना भी मानता हूँ। आप जब घर आएँ तो मेरे लिए अच्छी सी किताब ज़रूर लाइएगा। अम्मी आपको सलाम कह रही हैं। ख़त का जवाब जल्द दीजिएगा। वस्सलाम, आपका बेटा। यहाँ आप अगर ख़त लिखें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ख़त लिखते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि ख़त लिखते वक्त सादा अल्फाज और छोटे जुमलों का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप किसी अपने से बड़े को ख़त लिखते हैं तो इसमें आप, जनाब यानी एहतराम के अल्फाज आ जाते हैं, और अगर आप अपने से छोटे को ख़त लिखते हैं तो उसमें मोहब्बत, शफ़क़त और नसीहत का पहलू नज़र आना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ख़त लिखना अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं हम दरख्वास्त की तरफ और ये देखते हैं कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको दरख्वास्त नज़र आ रही है। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। एएसएफ पब्लिक स्कूल कराची, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, अस्सलामु अलैकुम। जनाब आली, गुजारिश अर्ज़ ये है कि मैं फरहान शाह, जो कि आपके स्कूल में तीसरी जमात का तालिब इल्म हूँ, गुज़िश्ता रात से बुखार में मुब्तला हूँ, इसलिए स्कूल हाज़िर नहीं हो सकता। मेहरबानी फरमाकर मुझे 3 यौम की छुट्टी इनायत फरमा दीजिए। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। फ़क़त आपका ताबेदार शागिर्द फरहान शाह। यहाँ आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी इदारे के सरबरा को दरख्वास्त लिखना यानी उसमें इल्तिमास, अर्ज़ या गुजारिश शामिल होती है। प्यारे बच्चों, दाएं तरफ एक या दो लफ्ज़ की जगह छोड़कर लिखिए। जनाब या साहब इकट्ठे ना लिखे जाएं। दरख्वास्त लिखते वक्त उनवान ज़रूर लिखिए और उनवान के नीचे एक सतर या लाइन लगाइए और फिर उनवान के नीचे एक तरफ जनाब आली लिखा जाए और अगली लाइन से दरख्वास्त शुरू कर दी जाए। आखिर में साइड पर अल आरिस यानी उल्टे हाथ पर अल आरिस लिखा जाए। जो भी आपका नाम है वो लिखिए।
सीधे हाथ पर तारीख लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया दरख्वास्त लिखने का तरीका। उम्मीद करती हूँ आपको ख़त लिखना और दरख्वास्त लिखना अच्छे से समझ आ गया होगा।